हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लास सेवंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है जिसकी आज हम मिसलेनियस प्रॉब्लम से टू देखने वाले हैं तो इसमें पूरी तरह से हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और उनको समझेंगे भी तो वीडियो पूरा देखना है आपको और आपको एग्जाम में भी इसकी हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट है एंजेला डिपॉजिटेड रुपीज इन अ बैंक एट रेट ऑफ नाइन पर पर एन्यू अब एंजेला ने क्या किया एंजेला नाम की एक लड़की है उसने पैसे डिपॉजिट किए डिपॉजिट किए मीन्स बैंक में पैसे डालना होता है उसने फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज बैंक में डाले और बैंक उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं नाइन परसेंट यानी हर साल नौ रुपए यानी हंड्रेड रुपीज पे वो देने वाले हैं शी गॉट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड उसको कुछ साल बाद फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ ज़्यादा के मिले इंटरेस्ट में से ज़्यादा के पैसे मिलना सो फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट तो उसने कितने साल के लिए वो अमाउंट डिपॉजिट किया होगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं स्टूडेंट वो रहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर और इसका फॉर्मूला हमको पता भी होना चाहिए और उसके साथ ही हमको एक बात भी पता होनी चाहिए कि जो वैल्यूज़ देकर है वो वैल्यूज़ हमने सबसे पहले तो लिख लेना चाहिए तो हम वही काम करने वाले हैं सबसे पहले उन्होंने क्या क्या वैल्यूज हमको दिए है वो वैल्यूज हम लिख लेंगे तो यहाँ पर देखो जो पैसे डिपॉजिट करते हैं या जो पैसे बैंक से लोन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सो इसलिए प्रिंसिपल पी इज इक्वल्स टू रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ उन्होंने बैंक से लिए एंजेला ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसको कहते हैं हम आर जो कि है नाइन परसेंट पर, पर एन्यूम दर साल दर शेकड़ा इसको बोलते हैं मराठी में ठीक है और उसको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि यस आई सिंपल इंटरेस्ट ये मिला है कितना रुपीज़ फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड का और हमको हाउ मेनी ईयर्स मतलब ड्यूरेशन पूछा है ईयर्स मतलब एन एन मीन्स क्वेश्चन मार्क एन ही तो हमको पूछा है तो जो वैल्यूज देकर है आपको वो वैल्यू आप लिख लिया करो और बस अब फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज रखने हैं है हमको हो गया हमारा आंसर सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड ठीक है ये उसका फॉर्मूला जो जो वैल्यू आपको दिख रही है वो वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करो आई की वैल्यू देकर है ये सिंपल इंटरेस्ट फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड की वैल्यू भी देकर है फिफ्टीन थाउजेंड आर भी देकर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि नाइन परसेंट का टी देकर नहीं है देखो मैंने यहां पर एन लिखा एन का मतलब ही होता है, ठीक है सो एन इज इक्वल्स टू टी भी लिखता हूं मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ओके और डिवाइडेड बाय हंड्रेड है ओके अब ये जो हंड्रेड के दो लास्ट के जीरो है ये लास्ट के जीरो से कट हो जाएगा ओके और जो 150 और 9 है ये दोनों मल्टीप्लाई में है ऊपर में है इधर आने के बाद वो डिवाइड में आ ही जाएंगे सो फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी और ये नाइन भी डिवाइड में ही आ गया ये भी नीचे इधर आ गया इज इक्वल्स टू टी ओके के अब चलो ये जीरो ज़ीरो कट चुका है के okay, फिर उसके बाद में ये फाइव फोर्टी को हम नाइन से डिवाइड करेंगे नाइन वन जार नाइन नाइन सिक्स जार फिफ्टी फोर और ये ज़ीरो हो गए सिक्सटी और फिफ्टीन से हम सिक्सटी यानी सिक्सटी को फिफ्टीन से डिवाइड करेंगे हम फिफ्टीन वन ज़ार फिफ्टी फिफ्टीन फोर जार सिक्सटी सो टी कितना आया टी इज़ इक्वल टू फोर और टाइम हमेशा ईयर्स में ही लेते हैं हम सो ईयर्स देखो टी पहले यहाँ था मैंने इधर लिखा अब ये इक्वल टू जो है इक्वल टू क्या हम राइट लेफ्ट साइड को ऐसे अल्टरनेट कर सकते हैं तो ये हमारा आंसर है और वर्ड प्रॉब्लम है ये तो इसका आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखना पड़ता है हेंस हम लिखेंगे एंजेला हैज डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर फोर इयर्स ऐसे लिखेंगे हम कि एंजेला हैज डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर फोर यर्स चार साल के लिए उसने वो अमाउंट डिपॉजिट किया ये हमारा आंसर था देखो ये था फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इस टाइप से उसको सॉल्व करना होता है ठीक है याद रखो इसको ये टेक्निक आप भूलो मत चलो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में है टेन मेन टेक फोर डेज टू कंप्लीट द टास्क अब कोई काम होगा वो काम को दस लोग एक साथ जब वो काम करेंगे तो उनको चार दिन ही लगते हैं यानी कि जैसे कि टेरिंग अ रोड रोड बनाने का काम होगा या टारिंग द रोड भी बोल सकते हैं डांबर वगैरह डालते हैं उस पर तो वो रोड को रिपेयर वगैरह कर रहे होंगे तो दस इंसान दस लोग अगर होंगे मजदूर तो उनको चार दिन लगते हैं तो अगर वो आठ लोग होंगे तो कितने दिन अब एक बात बोलो स्टूडेंट आप कि दस लोग हैं चार दिन लगते हैं तो आठ लोगों को चार दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा क्या कम टाइम लगेगा ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादा लोग कम दिन में करेंगे कम लोग ज्यादा दिन में काम करेंगे है ना जैसे कि खाना दस लोग अगर पंद्रह मिनट में खा लेते होंगे कोई चीज़ तो पंद्रह लोग तो पंद्रह मिनट के अंदर ही खा लेंगे ना क्योंकि खाना जल्दी खत्म हो जाएगा ज्यादा लोग खाएंगे तो तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल बोलते इसको इनवर्स प्रोपोर्शन अगर कोई वैल्यू बढ़ गई तो दूसरी वैल्यू कम होना अगर कोई वैल्यू कम हो गई तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाना उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन ओके okay. और अगर कोई चीज़ कम है और बाद में बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन जैसे कि एक पेन पांच रुपए की तो दो पेन कितने के दस रुपए के पेन बढ़ गए एक के दो हो गए तो पैसे भी पांच रुपए के दस रुपए हो गए तो वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन और ये जो एग्जांपल है ये है इनवर्स प्रोपोर्शन का क्योंकि यहां पर लोग बढ़ रहे हैं है ना सो so, वो हम पहले बताएंगे सो धिस रेशो इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शन सो एज मेन डिक्रीजेस या तो यहां पे नंबर ऑफ चाहिए था नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ मेन डिक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस अगर लोग कम होते हैं तो दिन ज्यादा लगेंगे सो हेंस दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन ये इनवर्स प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है ओके okay? सो so, अगर ये इनवर्स प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है तो हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे कि लेट एट मेन टेक एक्स डेज टू कंप्लीट वर्क वो काम खत्म करने में सपोज एक्स डेज उनको लगते हैं तो हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे कि नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज का अगर हमने कॉलम बनाया कि नंबर ऑफ डेज यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स बोलो या मेन्स बोलो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने वर्कर्स लिखा कि काम कर रहे हो तो जब दस वर्कर थे तब कितने दिन लग रहे थे उनको फोर डेज जब आठ वर्कर है तो तब उनको कितने दिन लग रहे हैं एक्स डेज और इनको हम छोटा सा बॉक्स बना लेंगे बॉक्स को मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता हूं ठीक है फिर भी चलो ये लो कंप्लीट ही हो गया। नहीं नहीं बोलते बोलते कंप्लीट भी कर देता हूं मैं अब जब कोई नंबर इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं ओके okay. सो so, हम वैसे ही करेंगे हम लेंगे पहले एट इंटू एक्स ये इक्वल टू रहेगा टेन इंटू फोर को टेन इंटू फोर को ठीक है उसके बाद एक्स यही पर रखेंगे हम टेन इंटू फोर भी यही रखेंगे और ये जो एट है इधर आने के बाद डिवाइड हो ही जाएगा ये आ गया डिवाइड में सो फोर वन जार फोर फोर टू जार एट टू वन जार टू टू फाइव जार टेन यानी कि आठ लोग अगर होंगे तो x इज इक्वल टू फाइव ये हमारा आंसर है आठ लोग अगर वो काम कर रहे होंगे तो उनको पांच दिन लगेंगे ओके okay? so, यही हमारा आंसर है सो हेंस एट मेन टेक फाइव डेज टू कंप्लीट वर्क वो काम खत्म करने में उनको फाइव डेज लगेंगे तो देखो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन टू है और अब मैं ऊपर ले रहा हूँ यहाँ तक हमारा आंसर था आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत अच्छी बात है स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कर सकते हो और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड लोगों में बताएं कि ये चैनल के वीडियोज़ है आप देख सकते हो क्वेश्चन थर्ड देखेंगे अब हम नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड रुपीज फोर्टी थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड रिस्पेक्टिवली नसरुद्दीन और महेश ये दोनों फ्रेंड थे उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए एक एक आधा बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने को नसरुद्दीन ने फोर्टी थाउजेंड रुपीज और महेश ने सिक्सटी थाउजेंड रुपीज उसमें इन्वेस्ट किए दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट उनको उसमें इस काम में थर्टी परसेंट तक का प्रॉफिट मिल गया हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच ऑफ देम मेक उसमें से हर किसी को कितना प्रॉफिट हुआ यह हमको पूछा गया है सबसे पहले तो हमको कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़ेंगे वो स्टेप्स कौन से रह गया पता है क्या सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि दोनों ने मिलकर कितने रुपीज इन्वेस्ट किए यानी कि दोनों की प्लस उसके बाद उसके थर्टी परसेंट कितने होते हैं ओके और उसके बाद उसका जो बांटना है पैसे वो बांट देंगे हम उनको ठीक है तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी रुपीज फोर्टी थाउजेंड की प्लस रुपीज सिक्सटी थाउजेंड की ठीक है तो so, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी रुपीज सिक्सटी थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड वन लैख वन लैख यानी उन्होंने वन लाख रुपीस इन्वेस्ट किए अब इसमें थर्टी परसेंट का प्रॉफिट सो थर्टी परसेंट प्रॉफिट थर्टी परसेंट प्रॉफिट मीन्स रुपीज वन लाख का रुपीज वन लाख का थर्टी परसेंट यानी हंड्रेड में से थर्टी तो वन लाख में से कितने ओके तो ये दो ज़ीरो और ये दो ज़ीरो कट हो गए सो थर्टी ये एक दो तीन और चार ज़ीरो है सो वन टू थ्री फोर ज़ीरो और थ्री वन जार थ्री यानी कि थर्टी थाउजेंड रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर रुपीज़ का सिम बोला अगर देंगे हम तो अच्छी बात हो जाएगी देखो उन्होंने टोटल वन लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए और वो वन लाख रुपीज़ में से उनको थर्टी थाउजेंड इतना बेनिफिट हुआ ओके अब सेम सेम अगर उन्होंने पैसे अगर डालते थे आ, सेम सेम यानी फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अगर वो डालते थे तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस थे तो ये थर्टीन थर्टी थाउजेंड के कितने हो जाते फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड दोनों भी लेते थे और चुपचाप बढ़ जाते थे है ना बट ऐसा नहीं है इसने कम पैसे दिए नसरुद्दीन ने और महेश ने ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें महेश को ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए ना इसमें से क्योंकि उसने बेचारे ने ज़्यादा पैसे डाले थे को कम पैसे चाहिए तो ये एग्जाम्पल रेशो एंड प्रोपोर्शन का है इसमें हम क्या करेंगे उनका रेशो पता करेंगे कि ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है नसरुद्दीन वर्सेस महेश करेंगे हम फोर्टी थाउजेंड इस टू सिक्सटी थाउजेंड का ठीक है अब ये रेशो कैसे ही निकाला जाता है देखो ये है फोर्टी थाउजेंड ये है सिक्सटी थाउजेंड ओके ये ज़ीरो ज़ीरो कट ये ज़ीरो कट ये ज़ीरो भी कट और ये ज़ीरो भी कट आंसर क्या आया फोर इस टू सिक्स यानी आंसर क्या है फोर बाय सिक्स फिर से ये भी शॉर्ट हो सकता है ये टू टू ज़ार फोर टू थ्री ज़ार सिक्स यानी कि वो रेशो कितना आया टू इस टू थ्री अब इसका मतलब क्या है दो हिस्से नसरुद्दीन ने इन्वेस्ट किए और तीन हिस्से महेश ने इन्वेस्ट किए समझ में आ रहा है रेशो का मतलब क्या है कि अगर वो कंपनी में जितने पैसे उन्होंने डाले होंगे उसमें अगर फाइव पार्ट कर दिए फाइव पार्ट तो उसमें से दो पार्ट नसरुद्दीन के हैं तो तीन पार्ट महेश के ठीक है थीका? अब ये है रेशो और यही हमको चाहिए था अब हम क्या करेंगे उनको एक्स ये कॉमन मल्टीपल लेंगे रेशो हमेशा छोटा रहता है तो इसलिए इसको हम अगर x लगा दे तो हम इसकी प्लस माइनस वगैरह कर सकते हैं सो so, लेट नसरुद्दीन प्रॉफिट अब पैसे इतने लगा तो प्रॉफिट भी यही हिसाब से होगा सो so, नसरुद्दीन के ये हिस्सा है और ये महेश का है तो ये नसरुद्दीन का है टू बी टू और क्या लगाएंगे उसको एक्स समझो टू एक्स इतने रुपीज प्रॉफिट नसरुद्दीन का हुआ तो महेश का कितना होगा फिर बोलो बोला थ्री एक्स सो हेंस महेश प्रॉफिट बी थ्री एक्स यहां पर एंड लिख देता हूं मैं एंड महेश प्रॉफिट बी थ्री एक्स और वो दोनों का प्रॉफिट मिलाकर कितने रुपीज है थर्टी थाउजेंड ठीक है सो हेंस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी थाउजेंड थ्री एक्स प्लस टू एक्स फाइव एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी थाउजेंड ये फाइव इधर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव सो हेंस फाइव सिक्स आर थर्टी और ये थ्री ज़ीरो अब ये कैसे किया है मैंने एक्स की वैल्यू सिक्स थाउजेंड आ गई है अब इधर थर्टी थाउजेंड इधर आप इजीली ये भी लिख सकते हो कि ये देखो ये थर्टी थाउजेंड और यहाँ पर डिवाइडेड बाय मैं फाइव फाइव सिक्स थर्टी ज़ीरो फिर नीचे आया जीरो फाइव ज़ीरो जीरो फाइव जीरो जीरो फाइव जीरो जीरो आया सिक्स थाउजेंड ओके तो सिक्स थाउजेंड ये जो है एक्स है अब ये सिक्स थाउजेंड ये जो टू एक्स है टू इन एक्स है एक्स की जगह सिक्स थाउजेंड लिखेंगे हम सो so, हेंस नसरुद्दीन प्रॉफिट इज टू एक्स नसरुद्दीन का प्रॉफिट है एक्स की वैल्यू अभी निकाले हमने सिक्स थाउजेंड सो सिक्स टू जार ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ ये नसरुद्दीन का प्रॉफिट हुआ और महेश का प्रॉफिट महेश प्रॉफिट क्या होगा इज थ्री एक्स है महेश का प्रॉफिट सो थ्री इंटू सिक्स थाउजेंड और रुपीज़ सिक्स थ्रीजार एटीन एटीन थाउजेंड रुपीज़ ये महेश रखेगा ठीक है ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा देखो यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था ये है क्वेश्चन आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हो उसके साथ ही यहाँ तक स्क्रीन शॉट आप ले रहे होगे और उसके बाद अब मैं धीरे धीरे इधर ऊपर लूँगा और यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म होता है ओके okay, तो आपको स्क्रीन लेना है तो बहुत अच्छी बात है स्क्रीन ले लो साथ साथ में सॉल्व करोगे आप वीडियो पॉज करके तो वो भी बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपको ध्यान में भी रहेगा तो चलो हम क्वेश्चन थर्ड तो खत्म हो गया चलो क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे हम क्वेश्चन फोर्थ में है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 5.6 पॉइंट सिक्स फाइव इज सर्कम्फ्रेंस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इसमें देखो डायमीटर देकर है जैसे कि आप समझो मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ यह है सेंटर और ये है डायमीटर ये देकर है फाइव पॉइंट सिक्स तो इसका सरकमफरेंस कितना है सरकमफरेंस एक बात याद रखो अगर कोई भी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ घूमना ये पूरा एक चक्कर यहाँ तक ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस है ना तो ये सरकमफरेंस पूछा है इसके लिए हमको फार्मूला है कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज़ टू पाए आर इसमें हमको रेडियस पता होनी चाहिए बट डायमीटर देकर एक बात आप याद रखो डायमीटर कभी भी रेडियस के डबल ही रहती है यानी ये 5.6 डायमीटर है ना सो डायमीटर हमेशा ट्वाइस आर ही रहती है और ये देखो ट्वाइस आर देकर ये ये टू आर यानी कि पाए डी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है टू पाए आर या तो फिर और पाए डी ये फॉर्मूला अगर हम लगा ले तो हमें आंसर मिल जाएगा तो वही हम काम करेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल इज़ इक्वल्स टू आर ये लिख लिया मैंने अब मैं टू आर को लिखता हूँ पाई डी इज इक्वल्स टू पाई डी इसका रीजन भी दे सकता हूँ मैं क्या ट्वाइस आर इज इक्वल्स टू डी होता है अब ये जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैंने यहाँ पर रीजन लिखा है नहीं तो पाई डी डायरेक्ट भी आप लिखोगे तो आंसर तो आएगा ही सो so, पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाय सेवन और डायमीटर हमको देकर है फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स अब हम फाइव पॉइंट सिक्स को सेवन से डिवाइड करेंगे सो so, फाइव पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन सेवन ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव में से ज़ीरो माइनस करो फाइव बचेंगे डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गए नीचे सिक्स सेवन एट जार फिफ़्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स में से फिफ्टी सिक्स माइनस करो जीरो तो ये आया ज़ीरो पॉइंट एट सेवन से जब मैंने डिवाइड किया ट्वेंटी टू तो जैसे कि वैसे ही मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट एट अब ट्वेंटी टू को ज़ीरो पॉइंट एट से मैं मल्टीप्लाई करूँगा सोनाओ ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट एट अब मैं इसको जीरो पॉइंट एट नहीं समझता हूं मैं डायरेक्ट एट से ही मल्टीप्लाई करूंगा देखो एट टू जार्सटीन वन कैरी एट टू जार्सटीन प्लस वन सेवनटीन ठीक है और अब यहां पर कितने डेसिमल छोड़कर है एक ये राइट साइड में एक यहां पर भी एक छोड़कर दे दो बस सेवनटीन पॉइंट सिक्स सेवनटीन पॉइंट सिक्स और ये क्या है सेंटीमीटर और कंफरेंस भी क्या रहेगा सेंटीमीटर ओके okay. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर फोर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे हम एक्सपांड है फर्स्ट क्वेश्चन है टू ए माइनस थ्री बी इसका होल स्क्वायर आपको इसके लिए एक्सपांशन फॉर्मूले पता होने चाहिए एक्सपांशन फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्र ए माइनस बी होल स्क्वायर ये दो एक्सपैंशन फार्मूले हमको काम में आएंगे यहां पर देखो टू ए माइनस थ्री बी होल स्क्वायर है अगर मैं एक्सपेंशन लिखूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी अब मैं ए समझता हूँ टू ए को और बी समझता हूँ थ्री बी को सो so, वही लिखूँगा मैं टू ए माइनस थ्री बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है देखो ए स्क्वायर मैंने किसको समझा ये टू ए के स्क्वायर को इसलिए मैं टू ए रखूंगा ए के जगह पर देखो समझ में आ रहा है ना आपको और इसका होल स्क्वायर करूंगा क्योंकि देखो फार्मूला वैसा कहता है माइनस है मैं माइनस ही दूंगा टू है ये टू ए मतलब अभी बोला मैंने टू ए है सो मल्टीप्लाई बाय टू ए मल्टीप्लाई बाय बी बी मतलब ये थ्री बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स ये थ्री बी का स्क्वायर थ्री बी इसका होल स्क्वायर कभी भी स्क्वायर बोले तो होल स्क्वायर है ये कंडीशन में अब टू का स्क्वायर टू टू जार फोर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस थ्री टू जार सिक्स सिक्स टू जार ट्वेल्व ए इंटू बी ए बी और प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन बी का स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये हमारा आंसर होगा कि फोर स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ए बी प्लस नाइन बी स्क्र आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पहले फार्मूला लिखो फार्मूले के नीचे वो जो क्वेश्चन देकर है वो लिखो और उसका एक्सपांशन नीचे, नीचे 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 लिखते चलो आपको आंसर सीधे सीधे आपके आंखों के सामने मिल जाएगा नहीं तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ओके okay? अभी भी हमारे पास टाइम बहुत है एग्जाम के लिए तो उसके हिसाब से आपको हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके देखना चाहिए उसके बाद है टेन प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी मैं वही टेक्निक फंडा यूज करूँगा यहाँ पर बट प्लस है इसलिए मैं इसको ए समझता हूँ इसको बी समझता हूँ तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वेयर प्लस है यहाँ पर टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर देखो चेंज क्या है सिर्फ ये पहले माइनस है तो यहाँ पर पहले प्लस है दूसरा तो प्लस ही है ओके सो फिर से टेन प्लस वाई टेन प्लस वाई इसका होल स्क्वेयर इसका फार्मूला हम ए के जगह पर टेन रखेंगे और बी के जगह पर वाई रखेंगे सो so, टेन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए मीन्स टेन है इंटू बी मीन्स वाई है प्लस बी का स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर सो so, टेन का स्क्वायर हंड्रेड होता है प्लस टेन टू ज़ार ट्वेंटी और वाई ही बचा वाई प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमारा आंसर होना चाहिए एक्सपेंशन का ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीन आपको लेना है तो आप ले लो उसके बाद में हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ p बाय थ्री प्लस क्यू बाय फोर होल स्क्वायर फिर से वैसे ही बात आ रही है मैं यहां पर लिखूंगा a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र ये फॉर्मूला है एक्सपेंशन का और यहाँ पर मैं ये वैल्यूज रखने वाला हूँ नीचे सो so, p बाय थ्री प्लस क्यू बाय फोर इसका होल स्क्वेयर है सो ए स्क्वायर मीन्स पी बाय थ्री का स्क्वायर सो so, p बाय थ्री इसका होल स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए मीन्स पी बाय थ्री इंटू बी मीन्स क्यू बाय फोर और प्लस बी स्क्वायर मीन्स देखो ये क्यू बाय फोर को बी माइनस समझाता है तो क्यू अपॉन फोर इसका होल स्क्वायर फिर से पी का स्क्वायर पी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन होता है प्लस ये देखो ये टू और फोर कट हो सकते हैं टू वन जार टू, टू 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 जार फोर पी इन टू क्यू पी क्यू थ्री टू जार सिक्स प्लस क्यू का स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्र ही है और फोर का स्क्वायर आ रही बात समझ में आ गई यही हमारा आंसर है इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का वाई माइनस थ्री अपॉन वाई होल स्क्वेयर यहाँ पर वाई के बाद माइनस है इसलिए हम एक्सपांशन यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो कि है ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर सो so, फिर से y माइनस थ्री अपॉन वाई होल स्क्वायर इसका एक्सपेंशन हम देखो इसको a समझता हूँ मैं इसको b समझता हूँ ए स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस टू ए बी मीन्स टू इंटू ए मीन्स वाई इंटू बी मीन्स थ्री अपॉन वाई और प्लस बी स्क्वायर मीन्स थ्री अपॉन वाई का स्क्वायर थ्री बाय वाई इसका होल स्क्वायर सो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वेयर ही रहेगा माइनस ये देखो वाई वाई कट हो गए थ्री टू जार सिक्स और प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होप करता हुआ आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ का स्क्रीन शॉट लेने का टाइमिंग अब क्वेश्चन फिफ्थ के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में है यूज ऑफ फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई ठीक है ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसमें फॉर्मूलाज वगैरह हमको यूज करना है देखो यहां पर जो पहला नंबर है एक्स तो यहां पर भी पहला x ही है यहां पर दूसरा नंबर ऑफ फाइव है यहां पर भी दूसरा नंबर फाइव ही है फर्क सिर्फ इतना है यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है है ना तो हम एक काम कर सकते हैं इसको अगर आप ए समझो और फाइव को अगर आप बी समझो तो ये है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी और a- माइनस बी और a+ प्लस बी ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन देकर है ब्रैकेट में तो तब आप लिख सकते हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेर ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो भूल गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे इसका एक्सपांशन लिख सकते हो तो ये मैंने a और b समझा है और इसका अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू मैं पहले नीचे लिख लेता हूँ कि x माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव तो इसका एक्सपेंशन जो देकर है उसका शॉर्ट फॉर्म बोलो या एक्सपेंशन ही बोलो उसको तो एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ले रहा था मैं बी का स्क्वायर मीन्स फाइव का स्क्वायर फिर एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही आएगा यानी एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो गया हमारा आंसर है ना इजी इतना कुछ हार्ड नहीं था ये सेकंड में है वैसी ही बात है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिया उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में टू ए माइनस थर्टीन टू ए प्लस थर्टीन फिर से वही लिखता हूँ मैं कि इसको ए समझता हूँ इसको बी सो ए माइनस बी ए प्लस बी इसको लिखता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसका एक्सपेंशन है फिर से टू ए माइनस थर्टीन टू ए माइन प्लस थर्टीन सो ए स्क्वायर मीन्स ये टू ए का स्क्वायर टू ए इसका होल स्क्वायर रहता है माइनस बी स्क्वायर मीन्स ये थर्टीन का स्क्वायर थर्टीन का स्क्वायर सो टू का स्क्वायर फोर टू टू जार फोर होते हैं ना ए का स्क्वायर स्क्वा स्क्वायर माइनस थर्टीन का स्क्वायर वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन स्क्वायर मीन्स ये थर्टीन मल्टीप्लाई बाय थर्टीन मतलब वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन आएगा ये उसका स्क्वायर उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे होंगे उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फोर जेड माइनस फाइव आय फोर जेड प्लस फाइव फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी इसका एक्सपांशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो फोर जेड माइनस फाइव आय फोर जेड प्लस फाइव ओके इसका एक्सपांशन देखो आप ए स्क्वायर मीन्स या फोर जेड का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स या फाइव का स्क्वायर फोर जेड का स्क्वायर सिक्सटीन जेड स्क्र माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये हमारा आंसर होगा उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है टू टी माइनस फाइव टू टी प्लस फाइव फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी का ही एग्जांपल है ये ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका एक्सपेंशन आएगा सो so, टू टी माइनस फाइव टू टी प्लस फाइव सो टू टी का होल स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर. स्क्र फोर टी स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव देखो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं. मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझा और समझा अगर होगा तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताओ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार्ट इज वन पॉइंट जीरो मीटर एक व्हील है जैसे कि यह है व्हील और इसकी डायमीटर देकर ये है डायमीटर जो सेंटर में से जाती है वो है वन पॉइंट जीरो फाइव हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर इन वन थाउजेंड रोटेशन ऑफ द व्हील ये व्हील को अगर आप रोटेट करोगे यानी घुमाते जाओगे इस चक्के को टायर को तो एक, एक थाउजेंड जब वन थाउजेंड रोटेशन हो जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे अब देखो स्टूडेंट यहाँ से वो चालू करे अगर वो व्हील ने रोटेट करना तो ये धीरे धीरे घूमते जाएगा व्हील घूमते घूमते ऐसे आते 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 वो इधर रुक जाएगा और इसका एक रोटेशन कब कंप्लीट होगा जब ये पूरा यहां से ये टायर जमीन को लगते 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 वापस यही पॉइंट पे अगर आ जाएगा तो एक रोटेशन बोलेंगे ना तुम हैरान समझ में तुम्हारा जो साइकिल होगी तुम साइकिल चलाते होगे तो उसको साइकिल को यहां पर नोजल रहता है जहां से हवा भरी जाती है टायर को अगर वो जमीन पर है और तुमने वो साइकिल थोड़ी आगे लेकर गए लेकर गए और वो नोजल फिरते फिरते आएगा ना इधर पीछे 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 हाँ पीछे पीछे जाएगा आगे तो नहीं जाएगा ये पीछे पीछे जाते 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 वापस अपने जगह पे आएगा तो तुम टायर थोड़ा आगे आ जाएगा वापस जब वो नोजल जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर अगर वापस आ रहा होगा तो उसको बोलते हैं एक रोटेशन ठीक है तो ऐसे वन थाउजेंड रोटेशन मीन्स मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड करना पड़ेगा हमको अब मेन बात है कि रोटेशन मतलब क्या रोटेशन मतलब सरकम है इसका सरकम्फरेंस अगर आपको पता चल गया तो हो गया हमारा काम बस वही हमको सॉल्व करना है के डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक रोटेशन में जितना उसका सरकम होगा और सरकम का फॉर्मूला क्या है टू पाए आर या तो बोलो पाएडी है ना अब भी बताया था मैंने टू टू पाई आर मतलब टू आर टू आर का मतलब है डी रेडियस के डबल ही रहता है ना डायमीटर और डायमीटर देकर इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला नहीं यूज करूंगा मैं सो so, पाई की वैल्यू सबको पता है डी की वैल्यू हमको देकर है सो so हेंस 22 टू अपॉन सेवन लूँगा मैं पाई की वैल्यू और डायमीटर की वैल्यू लूँगा मैं 1.05 पॉइंट जीरो फाइव वन पॉइंट ज़ीरो फाइव सेवन से हम 1.05 पॉइंट जीरो फाइव को डिवाइड करेंगे 1.05 पॉइंट ज़ीरो फाइव इसको डिवाइड करेंगे हम सेवन से सेवन ज़ीरो ज़ीरो होता है वन में से ज़ीरो माइनस करो वन डेसिमल पॉइंट के ऊपर है पॉइंट जीरो आ गए नीचे सेवन वन जार सेवन टेन माइनस सेवन थ्री बचेगा फाइव आ गए नीचे सेवन फाइव जार थर्टी फाइव थर्टी फाइव में से थर्टी फाइव माइनस करो ज़ीरो ही बचेंगे ठीक है सो ये है ज़ीरो पॉइंट फिफ्टीन तो ये ट्वेंटी टू ही बचा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फिफ्टीन ओके सो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट फिफ्टीन करने का काम आ गया है मैं फिफ्टीन से ट्वेंटी टू को मल्टीप्लाई करता हूँ अब आप बोलोगे ज़ीरो पॉइंट कहाँ गया तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ मैंने डेसिमल पॉइंट गायब कर दिया मैंने यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो फिफ्टीन लिखा है डेसिमल पॉइंट अभी दिया नहीं है सो टू फाइव जार टेन वन कैरी टू वन जार टू प्लस वन थ्री ज़ीरो फाइव टू जार टेन वन कैरी टू वन जार टू प्लस वन थ्री ये आया ज़ीरो आया थ्री और ये है थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी ये हमारा आंसर है अब जो डेसिमल पॉइंट मैंने नहीं दिया था वो मैं देता हूँ कितने डेसिमल के बाद इधर डेसिमल पॉइंट नहीं है इधर टू प्लेसेस है वन और वन टू तो टू प्लेसेस के बाद मैं डेसिमल दे देता हूँ थ्री पॉइंट थर्टी ये हमारा आंसर है लास्ट के जीरो को तो वैल्यू नहीं है इसलिए थर्टी थ्री बोलो या थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री सरकमफरेंस uh, मतलब मीटर ये यह देखो यहां पर मीटर में क्वेश्चन है इसलिए मीटर ओके सो वन रोटेशन में वो जो व्हील है वो 3.3 मीटर आगे जाएगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा तो फॉर वन थाउजेंड रोटेशन यहां पर लिखता हूं मैं फॉर वन रोटेशन और अब मैं लिखूंगा फॉर वन थाउजेंड रोटेशन 1000 रोटेशन मीन्स 3.3 पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय वन ठीक है सो so, 3.3 को 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3300 आएगा मेरे हिसाब से सो so, ये है 3300 मीटर और या तो अगर किलोमीटर में पूछे होंगे उन्होंने तो वैसे भी हमारे पास इलाज है कि 3300 अपॉन वन थाउजेंड वन थाउजेंड मीटर मतलब वन किलोमीटर तो वन टू वन टू ये डेसिमल पॉइंट सो ये आएगा थ्री पॉइंट थ्री किलोमीटर एक तो थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटर आंसर है या तो थ्री पॉइंट थ्री किलोमीटर दोनों भी आंसर वही है सेम ही है चेंज कुछ भी नहीं है तो इतना वो कार्ट का जो व्हील है इतने रोटेशन में यानी वन थाउजेंड रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा सो द व्हील ऑफ कार्ट विल कवर 3.3 पॉइंट of किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 1000 थाउजेंड रोटेशंस रोटेशंस में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा तो देखो स्टूडेंट यहां पर ये क्वेश्चन था आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेकर आपको सॉल्व करना है उसको और यहाँ से तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ तक यहां तक हमारा आंसर उसका रेडी है आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत ही अच्छी बात है इसके बाद चलो हम सेवेंथ क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है हम चलो एट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ फोर्टी मीटर इज वन थाउजेंड मीटर फाइंड द ब्रेड ऑफ द गार्डन एक गार्डन है जिसका शेप है रेक्टेंगुलर चलो पहले हम सबसे पहले गार्डन ही ड्रॉ कर लेंगे यह है रेक्टेंगुलर गार्डन ठीक है और इसकी लेंथ देकर फोर्टी मीटर तो यह हो गई फोर्टी मीटर की लेंथ और इसका एरिया है वन थाउजेंड स्क्र मीटर यह है उसका एरिया वन थाउजेंड मीटर स्क्वेयर या स्क्र मीटर जैसा आपको बोलना है वैसा अब इसका हमको ब्रेड तो अगर पता चल गई तो पेरीमीटर तो पता चली जाएगी तो हमको ब्रेड पता करनी है ओके तो ब्रेड पता करने के लिए आपको एक बात पता होगी कि एरिया देकर है तो एरिया का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया जो रहता है वो क्या रहता है लेंथ इन टू ब्रेड सो लेंथ इन टू ब्रेड और ये एरिया हमको देकर आ रहा है ना आपको समझ में ये एरिया हमको देकर है जो कि है 1000 मीटर 1000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू लेंथ भी देकर है फोर्टी और ब्रेड देकर नहीं उसके जगह में बी एक्स कुछ भी यूज कर सकता हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आंसर तो अभी दो मिनट में आने ही वाला है अब ये फोर्टी इधर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड सो so, 1000 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू ब्रेथ 00 कट 41 आर 4 42 आर 8 45 आर 20 25 सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 25 मीटर आ गई ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब हमको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उसका पेरीमीटर कितना है फिर से हम वही करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या है टू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड ओके सो टू इन ब्रैकेट लेंथ कितनी थी फोरटी देकर ही थी हमको ब्रेड कितनी निकली मालूम नहीं था बट हमने ट्वेंटी फाइव निकाल लिया सो टू इन टू फोर प्लस ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फाइव होगा फिर फाइव टू जार टेन वन कैरी सिक्स टू 13 ट्वेल्व प्लस वन मीटर इतना आया पेरीमीटर यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन खत्म हो जाते पर यहाँ पे क्वेश्चन उसका पूरा खत्म नहीं हुआ द गार्डन इज टू बी एनक्लोज बाय थ्री राउंड ऑफ फेंसिंग फेंसिंग मतलब उसको बॉर्डर वगैरह बांधनी है या बोलो काटे वाले तार बोलो या कोई ऐसे वहाँ पे फेंसिंग करनी है जिसको कुंपन बोलते हैं उसको हाँ तो ये यहां से चलो मैं इसको थ्री राउंड मारता मार टू ये थ्री ओके okay, मैंने तीन राउंड इसके इसको फेंसिंग कर दिया ठीक है लिविंग ऑन एंट्रेंस ऑफ फोर मीटर ये है हमारा मेन टॉपिक के फोर मीटर का गेट के लिए उनको ये खुला रखना है यहां से यहां तक जो फोर मीटर का गैप है ये गेट के लिए खुला रखना है तो इसका मतलब जो फेंसिंग होगा वो कहां तक होगा यहां से तो यहां तक ही होगा है कि नहीं इतना होगा ना आपको समझ में आ ही रहा होगा और ये होने के बाद हम पहले एक काम करेंगे कि थ्री राउंड फेंसिंग के कितने होते हैं वो हम निकालेंगे ओके और वो एक राउंड कितने का होगा जितने का पेरीमीटर रहेगा प्रॉब्लम ये है कि फोर मीटर और छोड़ना है हमको so हम पहले वो लिखेंगे कि वन राउंड फॉर वन राउंड फॉर वन राउंड ऑफ फेंसिंग फेंसिंग का एक राउंड मतलब पेरीमीटर माइनस फोर मीटर ऑफ एंट्रेंस एंट्रेंस के चार मीटर उसमें से छोड़ देना पड़ेगा ना और पेरीमीटर कितना आया वन थर्टी सो so थर्टी इसमें से मैं 4 cm, चार सेंटीमीटर चार मीटर छोड़ दूंगा सो so ये आएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स इतना आया वन राउंड सो फॉर थ्री राउंड फॉर थ्री राउंड थ्री राउंड के लिए वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स थ्री एटीन वन कैरी थ्री टू जार सिक्स प्लस वन सेवन थ्री वन जार थ्री थ्री हंड्रेड सेवेंटी एट मीटर इतना तार उसको लगेगा आ आ रहा ना आपको समझ में आ गया होगा इतना तार उसको क्या वाला वाला है लगने वाला है लगने पर तार कोई फ्री में तो देगा नहीं है ना आपको अगर कोई फ्री में दे रहा हो तो मुझे भी ला कर दे दो फ्री में तो तार मिलेगा नहीं उसके पैसे तो लगेंगे और वो पैसे कितने लग रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज पर मीटर एक मीटर का अगर फेंसिंग यहां से अगर यहां तक एक मीटर भी अगर हो रहा होगा तो उसके टू फिफ्टी रुपीज लग रहे हैं तो ये पूरा थ्री राउंड कितने रुपीस का होगा ये पूछा है तो ये कितना मीटर हुआ थ्री हंड्रेड तो के हिसाब से so कॉस्ट कितना रहेगा थ्री हंड्रेड सेवनटी एट मीटर मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज तो ये हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम थ्री हंड्रेड सेवेंटी एट मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव करूंगा मैं अब ये जीरो क्यों नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़ीरो तो ऑलरेडी इधर ये इधर आ ही जाएगा बचे वाला ट्वेंटी फाइव से ही मल्टीप्लाई करना है सो एट फाइव हज़ार फोर्टी फोर कैरी फाइव सेवन हज़ार थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन थ्री कैरी फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन जीरो लूँगा मैं एट टू हज़ार सिक्सटीन वन कैरी सेवन टू हज़ार फोरटीन प्लस वन फिफ्टीन वन कैरी थ्री टू हज़ार सिक्स प्लस वन सेवन जीरो नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन वन कैरी एट प्लस वन नाइन प्लस फाइव फोरटीन वन कैरी सेवन प्लस एट प्लस वन नाइन नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी और ये पहले का एक जीरो सो नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी ठीक है और ये जीरो यानी कि नाइनटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इतना खर्च उसको आने वाला है तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमको निकालने के लिए बोला गया था और तीनों भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए देखो ये था हमारा क्वेश्चन ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे स्क्रीनशॉट के लिए मैं बता रहा हूं फिर से उसके बाद यहां से आंसर सॉल्व करना स्टार्ट किया था मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यहां से और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आऊंगा मैं इधर ये हो गया हमारा आंसर और यहां पर कैलकुलेशन भी आप देख सकते हो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर एट तो खत्म हो जाता है चलो क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेंगे हम फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC एंड द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बहुत ही इजी क्वेश्चन है ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है हमको दो साइड देकर है तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनस पूछी है नाइन्टी डिग्री के सामने का जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं और वो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल सकते हैं सो ट्रा ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए हेंस बाय पाइथागोरस थेरम पाइथागोरस थेरम क्या कहता है कि ए सी का स्क्वेयर यानी हाइपोटेनस का स्क्वेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वेयर, ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर। इसको याद ही कर लो ये टेंथ स्टैंडर्ड तक आपका पीछा छोड़ेगा नहीं सो ए बी का स्क्वेयर मीन्स ट्वेंटी का स्क्वेयर बी सी का स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी वन का स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर है फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन का है फोर हंड्रेड फोर्टी वन सो so, ये आएगा 841, ठीक है तो ए का स्क्वायर आया 841, बट हमको ए का स्क्वायर नहीं ए चाहिए ओके 841 देखो ये 441 से तो बड़ा ही है और ये 21 का स्क्वायर है जिस नंबर के वंस प्लेस में वन हो अगर स्क्वायर में तो उसके स्क्वायर रूट में एक तो वन होता है नहीं तो नाइन होता है क्योंकि वन का स्क्वायर वन और नाइन का स्क्वायर एटी वन है ना तो नाइन या तो वन होगा So, एक काम हो सकता है कि 841, 841 ये एक तो 21 के बाद आएगा 29 का स्क्वायर हो सकता है या तो 31 का स्क्वायर हो सकता है और अगर इसके आगे भी जाना होगा तो 39 का स्क्वायर हो सकता है ये तीनों में से एक पॉसिबिलिटी कन्फर्म है देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको ठीक है इसके लगे तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि स्कॉलरशिप नाम की मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं या तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा तो आप वो भी देख सकते हो कि कैसे किस टाइप से स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाला जाए तो एक तो ट्वेंटी स्क्वायर है ट्वेंटी का स्क्वायर है ये या तो थर्टी का या तो फिर ज़्यादा ही बात चली गई तो थर्टी का पर इसके चांसेस थर्टी के कम है क्योंकि थर्टी का ही स्क्र नाइन है तो ये तो होगा ही नहीं तो ये भी थर्टी का स्क्वायर नाइन हंड्रेड है देखो थर्टी का स्क्वायर नाइन हंड्रेड और ये नाइन हंड्रेड से छोटा है इसका मतलब ट्वेंटी नाइन तो ये कंफर्म है बस हंड्रेड परसेंट मैं यही बोल रहा हूं मैं तो सॉल्व भी नहीं किया अभी तक फिर भी मैं ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी नाइन करके देखता हूँ ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी नाइन नाइन जार एटी वन एट कैरी नाइन टू जार एटीन एटीन प्लस एट ट्वेंटी सिक्स ज़ीरो नाइन टू ज़ार एटीन वन कैरी टू टू ज़ार फोर प्लस वन फाइव सो वन सिक्स प्लस एट फोरटीन वन कैरी फाइव प्लस वन सिक्स प्लस टू एट एट हंड्रेड फोर्टी वन आया दूसरी बात इसका और शॉर्ट ट्रिक है कि ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर कैसे करना चाहिए नाइन का स्क्वायर करो पहले नाइन नाइन ज़ार एटी वन एट कैरी फिर ये तीनों का मल्टीप्लाई करो नाइन टू ज़ार एटीन एटीन टू ज़ार थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस एट फोर्टी फोर होता है शायद फोर कैरी और टू का स्क्वायर बाद में इसका स्क्वायर करो टू टू जारो फोर फोर प्लस फोर एट ऐसे भी आप कर सकते हो ये भी टेक्निक का मैंने वही वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो एट हंड्रेड फोर्टी वन का स्क्वायर रूट है ट्वेंटी नाइन तो यही हमारा आंसर है ट्वेंटी नाइन में यहाँ पर लिखता हूँ ए सी तो मिल गया और उन्होंने पेरीमीटर भी पूछा है ना और पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का तीनों भी साइड की प्लस नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रैंगल ए बी सी की पेरीमीटर क्या रहेगी लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी प्लस लेंथ ए सी सो लेंथ ए बी ट्वेंटी बी सी ट्वेंटी वन प्लस ए सी ट्वेंटी नाइन नाइन प्लस वन टेन प्लस ज़ीरो टेन वन टू फोर सिक्स प्लस वन सेवन सेवेंटी सेंटीमीटर वगैरह ऐसा कुछ देकर नहीं है सो so, यूनिट हम लिखेंगे सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी हमको मिल गया है आर एन आपको समझ में देखो आप आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ ये आपको एट में नाइन्थ में टेंथ में पाइथागोरस थ्योरम आएगा ही आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लो देखो यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था ये यह था यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है और ये थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं ये है हमारा आंसर ठीक है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और एट नाइन में मैंने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते रहा ही हूं मैं तो उसमें भी मैं आपको साथ में मिलूंगा ही चलो क्वेश्चन नंबर टेन देख लेंगे हम इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज एट सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द टोटल सरफेस एरिया अब देखो ये क्यूब है ये yeah, ऐसे रहता है क्यूब और एक साइड एट है तो यानी कि सभी साइड एट ही है ओके okay, दूसरी बात क्यूब का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ये इरेजर वगैरह कंपास बॉक्स ये ये क्यूबॉइड के जैसा है ये थोड़ा सा लॉन्ग है बट रूबिक्स क्यूब आपने देखा होगा जैसे कि ये अगर मैं इतना ले लूँ तो ये क्यूब हो जाएगा हाँ तो ये क्यूब के जैसा आप समझ सकते हो और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा है तो छे साइड है छ साइड का एरिया मतलब सिक्स एल स्क् एक साइड का क्या है साइड स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर तो छ साइड का सिक्स इंटू साइड स्क्वायर है ना तो सिक्स एल स्क्वायर वही हमको लिखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है सिक्स एल स्क्र सो सिक्स इंटू एल स्क्वायेयर मीन्स ये एट का स्क्वायर सो सिक्स इंटू एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्स फोर ट्वेंटी फोर टू कैरी सिक्स हजार थर्टी सिक्स प्लस टू थर्टी एट और एरिया पूछा है सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन के बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन फैक्टराइज आइज थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव वाई फोर जेड क्यूब यानी वाई टू पावर फोर जेड का क्यूब है माइनस वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स वाई स्क्वेयर जेड टू द पावर फोर अब इसको फैक्टराइज करने के लिए देखो यहाँ पर ऐसे कोई कॉमन तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा इसलिए हमको इसको अलग 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 करना पड़ेगा देखो स्टूडेंट 365 के लास्ट में 5 है इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड हो सकता है तो मैं 365 को 5 से डिवाइड करके देखता हूँ 365 डिवाइडेड बाय फाइव फाइव सेवन थर्टी फाइव वन बचा इसमें से फाइव वाई नीचे फाइव थ्री जर फिफ्टीन ठीक है जीरो बचे यानी सेवनटी थ्री को मैं अगर फाइव से मल्टीप्लाई करूँ तो थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव आएगा तो वही मैं लिखता हूँ कि थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव मतलब मैं लिखता हूँ फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवनटी थ्री ओके और वाई टू दावर फोर को मैं लिखता हूँ वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई चार बार वाई मतलब वाई टू दावर फोर और क्यूब को लिखता हूं मैं माइनस 146 में में से डिवाइड होता है है क्योंकि लास्ट डिवाइडेड बाय फोरटीन जीरो बचे सिक्स आए नीचे टू थ्री जार सिक्स जीरो बचे यानी कि क्या आया 73 थ्री मल्टीप्लाई बाय टू सो मल्टीप्लाई बाय सेवन थ्री मल्टीप्लाई बायर मीन वाई इंटू वाई और पावर मीन इंटू जेड z इंटू जेड z z z z. समझ में आ रहा है अब इस लाइन में यानी कि ये इसका ये इसका पहली लाइन किसपांशन है माइनस ये दूसरे नंबर का ये एक्सपानशन है इसमें कॉमन कॉमन क्या दिखता है आपको ये बताओ ठीक है कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है आपको सेवनटी थ्री दिखा कॉमन ये सेवनटी थ्री तो ये मैं पहले लिख लेता हूं यहां पर सेवन थ्री मैंने बाहर निकाल लिया उसके बाद एक वाय उसके बाद ये दूसरा भी वाय चलो ये भी वाय एक, एक लिखूंगा मैं हा? उसके बाद आ, y, नहीं है जेड वन टू थ्री है वन टू थ्री जेड है देखो ये वन टू थ्री और ये वन टू थ्री ये तीनों जेड जो एक एक पेयर है उसमें का एक एक ले रहा हूँ मैं जेड इं z जेड इंटू जेड और अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आ रहा है समझ में तो अब मैं लेता हूँ ब्रैकेट और पहले लाइन में क्या बचा आप फाइव इं y वाई 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 इं वाई माइनस टू इंटू जेड सिर्फ जेड बचा ठीक है और अब यह है सेवेंटी थ्री वाई दो बार है इसलिए वाई स्क्वेयर जेड तीन बार है इसलिए जेड क्यूब इतना कॉमन निकला और ब्रैकेट में फाइव वाई इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वेयर माइनस टू जेड टू जेड ये है हमारा आंसर देखो इस टाइप से इसको सॉल्व करना होता है आपको जो टेक्निक समझती होगी वो हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे आप आपको समझाने के लिए मुझे ये टेक्निक अच्छी लगी ओके उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूरे ख़त्म होते हैं अब बचता है एम उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गए थे आपको चार ऑप्शन दिए रहते हैं वो चार ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना होता है जो आपको राइट लगता है तो इसके लिए थोड़ा सा हमको सॉल्व भी करना होता है क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ द नंबर थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव एक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन इज थर्टी सिक्स सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो अब इसको सॉल्व करने की ऐसे देखे ना तो कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि देखो ये नंबर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये एक्स वाला सेवन और ये नंबर को हम एक काम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में यानी चढ़ते नंबर में हम लिखेंगे सो ये ऑलरेडी असेंडिंग अच्छे देखो थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव सो यहाँ पर मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव यहाँ पर एक्स देकर है यहाँ पर थर्टी सेवन यहाँ पर थर्टी एट और यहाँ पर थर्टी नाइन ठीक है इतने नंबर है और अगर दिए हुए नंबर सिक्वेंस में होंगे उसमें अगर एंड एंड के टर्म छोड़कर अगर बीच में एक ही टर्म बच रही होगी तो वो टर्म ऑलरेडी उसकी मीन रहती है उसका एवरेज रहता है ठीक है सो ये एवरेज ही क्या है थर्टी सिक्स देकर है और इसलिए यही नंबर वो है एक्स तो ये हमको लिखना पड़ेगा थोड़ी सी एक लाइन हमको लिखनी पड़ेगी कि गिवन इज द सिक्वेंस सिक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स दैट आर दैट आर कंज़िकेटिव कंजीकेटिव का मतलब क्या है एक के पीछे एक एक के पीछे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये कंजीक्यूटिव नंबर है तो ये थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव यहाँ पर थर्टी सिक्स होगा ही क्योंकि थर्टी सेवन है उसके बाद सो so, कंजीक्यूटिव है द एवरेज इज ऑलवेज ऑलवेज द मिडल टर्म हमेशा मिडल टर्म ही रहती है हेंस एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स एक्स की वैल्यू थर्टी सिक्स है और इसलिए थर्टी सिक्स जो फोर्थ ऑप्शन है यह हमारा आंसर होना चाहिए ओके okay, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन लेना है तो ले सकते हो आप उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर सिक्सटी वन स्क्वेयर माइनस फिफ्टी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू अब देखो ये मैं नीचे लिख लेता हूँ सिक्सटी वन स्क्वेयर माइनस फिफ्टी वन स्क्वेयर अगर मैं इसको ए समझूँ और इसको बी समझूँ तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर का एक्सपेंशन क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये है सिक्सटी वन माइनस फिफ्टी वन इसका होल इसका स्क्वायर स्क्वायर है तो ए प्लस बी मीन्स सिक्सटी वन प्लस फिफ्टी वन देखो ए के जगह सिक्सटी वन बी के जगह मैं फिफ्टी वन लिख रहा हूँ और ए माइनस बी मीन्स सिक्सटी वन माइनस फिफ्टी वन तो सिक्सटी वन प्लस फिफ्टी वन वन हंड्रेड ट्वेल्व सिक्सटी वन माइनस फिफ्टी वन टेन सो ये आएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड 20 तो 1121st ऑप्शन ही दिख रहा है हमको ये हमारा आंसर होना चाहिए ओके okay? उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन तो हो गया थर्ड क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का कि इफ 2600 रुपीस आर डिवाइडेड बिटवीन समीर एंड स्मिता इन द प्रोपोर्शन 8:5 देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एग्जांपल है उनको प्रॉफिट वगैरह हुआ, हुआ, हुआ होगा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज का आठ हिस्से किसके थे समीर के तो फाइव हिस्से किसके हैं स्मिता के तो ये पैसे कितने बांटेंगे ओके तो हम एक्स को कॉमन मल्टीपल लेते हैं हम सो लेट एक्स बी दे आर कॉमन मल्टीपल सपोज एक्स उनका कॉमन मल्टीपल है

बनाकर कितने हैं? तो वही एक्स 13. आएगा यह है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये मल्टीप्लाई था इधर जाने के बाद डिवाइडेड थर्टीन वन जार थर्टीन थर्टीन टू जार ट्वेंटी वैल्यू कितनी आई टू हंड्रेड एक्स की वैल्यू टू हंड्रेड आई तो अब समीर एट एक्स है सो हें समीर रिसीव्स समीर रिसीव्स एट एक्स रूपीज उसको मिलेंगे और एट एक्स मतलब क्या बोला था मैंने एट इन टू एक्स की वैल्यू है टू हंड्रेड तो वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज उसको मिलेंगे और फाइव एक्स किसके थे स्मिता के सो so स्मिता रिसीव स्मिता को कितने रुपीज मिलेंगे फाइव एक्स जो कि है फाइव इंटू टू हंड्रेड सो फाइव टू जार टेन वन थाउजेंड रुपीज़ स्मिता को मिलेंगे ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है स्टूडेंट देखो आपको स्क्रीन लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पर सिक्सटीन हंड्रेड वन थाउजेंड रुपीज़ है ये है सिक्सटीन हंड्रेड वन थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है और क्वेश्चन भी पूरे ख़त्म होते हैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगले साल मैं आपको मिलूँगा एट्थ स्टैंडर्ड में उसके अगले साल नाइन में और उसके अगले साल टेन में, में मेरे पूरे वीडियो बनाकर रेडी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय